नमस्कार दोस्तों, जय उत्तराखंड। इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तराखंड क्रांति दल का संक्षिप्त इतिहास और उसकी विचारधारा पर थोड़ा फोकस कर रहा हूं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में जानकारी पहुँचे और जो राजनीतिक निर्णय लेते समय वो इस चिन्हित बिंदुओं पर ध्यान रखें। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन उन लोगों ने किया जो उत्तराखंड के सरोकारों से लगातार संघर्ष कर रहे थे, और आज़ादी के बाद जब उन्हें लगा कि बिना संगठन बनाए, बिना राजनीतिक ताकत बने उत्तराखंड राज्य नहीं बन सकता, तो 79 में उन्होंने डॉक्टर डी डी पंत की अध्यक्षता में उत्तराखंड क्रांति दल बनाया। और ये भारत का क्षेत्रीय दल है जो अपने को क्षेत्रीय दल, एकमात्र क्षेत्रीय ताकत प्रस्तुत करता रहा है, जबकि इसके विरुद्ध जो वहाँ पर राजनीतिक ताकतें हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अपने को राष्ट्रीय दल मानते हैं और राष्ट्रीय विचारधारा पर चलते हैं, और वहाँ पर वोट भी उन्हीं को ज़्यादा मिलता है राष्ट्रीय विचारधारा पर, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ता रहा है और क्षेत्रीय सरोकारों को लेकर संघर्ष करता रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल अपनी तरह की वहाँ पर जो और क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं और सामाजिक संगठन हैं जो वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ते रहे हैं, उनसे क्षेत्रीय सरोकार रखते हैं, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है और सारे समाज को एक साथ लेकर चलता है, सबकी विचारधाराओं को लड़ता है, पहाड़वाद और पहाड़ के विकास के लिए हमेशा लड़ता रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल जो पार्टी है, ये हमेशा 22 साल के संघर्ष के बाद बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और राज्य मिला। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे, जिसके पास एक विजन था, वो उसको सत्ता नहीं मिली, और उत्तराखंड राज्य का पिछड़ने का कारण यही है कि वहाँ की सत्ता में राष्ट्रीय दल रहे जिनकी क्षेत्रीय विचारधारा है ही नहीं। उत्तराखंड क्रांति दल मानता है कि जब तक वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन जो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में, चाहे जल हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, ये प्रचुर मात्रा में उसका जो रेशियो है, मैन और पानी का, मैन और जंगलों का, मैन और भूमि का, वो बहुत ज़्यादा है, और उसका अगर सही उपयोग हो तो पहाड़ एक बहुत ज़्यादा समृद्ध राज्य बन सकता है। और ये उत्तराखंड क्रांति दल के अपने कल्पना भी थी कि 10 साल में उत्तराखंड राज्य देश के सबसे अग्रणी राज्यों में होगा और अनुकरणीय राज्य होगा। उसके लिए उनने सबसे पहले एक जो मानते हैं, जो उनके साथ रहकर हमने अनुभव किया, विपिन चंद्र त्रिपाठी जी के साथ और जसवंत सिंह जी के, उनका मानना था कि जैसे पानी है, हम पानी के जो हमारी मात्रा है तो देश के सभी राज्यों से ज़्यादा पानी उत्तराखंड में है, और उस पानी का वेग भी उत्तराखंड में बहुत तेज है, उस वेग का और उस मात्रा का उत्तराखंड को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो हम जो जितने भी रौले, जितने भी गधेरे, जितने भी हमारे नदियाँ हैं, उनको एज ए वाटर रिजर्व के रूप में हम यूज करें और उनके बेग को परिवहन के रूप में यूज करें, उस बेग का हम जो उसमें गतिज ऊर्जा है उसके अंदर, उस ऊर्जा को हम अपने परिवहन में यूज करें, मतलब जली परिवहन उत्तराखंड में यूज होना चाहिए। तो पहली ये है कि हम पानी के बेग का इस्तेमाल अपने वहाँ पर परिवहन वहाँ पर यूज करें, जल परिवहन उत्तराखंड में होना चाहिए और वाटर रिजर्व बनने चाहिए। और बड़े बड़े बांधों का उत्तराखंड क्रांति दल विरोधी रहा है, क्योंकि उससे वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के, वहाँ के पर्यावरण को, वहाँ के जो वो जो प्राकृतिक ढांचा है वो बिगड़ता है। दूसरी चीज़, उत्तराखंड क्रांति दल मानता है कि वहाँ पे नेशनल हाईवेज और रेलवे का विकास होना चाहिए, उसके जाल बिछना चाहिए, और वो पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, वहाँ की कृषि भूमि को, वहाँ के जंगलों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसमें टनल्स और पुलों का ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, और उनको भी हम जलमार्ग जो वहाँ की नदियाँ हैं उनके समांतर उनको बढ़ाना चाहिए, और जो नदियाँ हैं उनसे लगभग 1500 मीटर की ऊँचाई पर हम रेलवे पटरियाँ डालें, और वैसे ही एक नेशनल हाईवेज की तरह परिवहन डेवलप करें। और चौथा, जो उत्तराखंड क्रांति दल मानता है कि वहाँ का जो लोक निर्माण विभाग है, वहाँ पर हल्के वाहनों के लिए रोड डेवलप करें, जिससे वहाँ पर जंगलों का नुकसान न हो, खेती का नुकसान हो, प्रकृति को क्षति न पहुँचे, और हल्के वाहनों के रोडों के लिए वहाँ पर जाल बिछे। उसके बाद अगला, वो उत्तराखंड क्रांति दल मानता है कि वहाँ पर जो रज्जू मार्ग हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है जो पहले वहाँ पर दिखता था, वो उसका भी विकास हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काम करे, वहाँ पर रोड़े बने, उन पर हम हल्के वाहन भी चला सकते हैं और अपना जो घोड़ा तांगा है ये भी चल सकें, एक ऐसी है। तीसरी और अगला है जो छठा परिवहन की वो है, वहाँ पर जो हमारे पगडंडियाँ हैं
उनको वहाँ का जो पंचायत है, जो क्षेत्र पंचायत है, वो उनका विकास करे और इस तरीके से वहाँ पर सुगमता बने, जो कनेक्टिविटी है उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल का विजन ये है। और जंगलों के बारे में उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि जंगलों का पर्याप्त विकास होना चाहिए, जंगलों को आग से बचाना चाहिए, जंगलों में उन पेड़ों को लगाना चाहिए जिससे जैसे चाहे वो पत्ते हों, चाहे उसका तना हो, चाहे उसकी सूखी लकड़ी हो, कुछ भी हो, वो एक उसको वहाँ का आदमी के आर्थिक बढ़े, उससे उसकी आमदनी बढ़े, हर्बल्स वहाँ पर लगाए जाएँ, वहाँ फलदार वृक्ष लगाए जाएँ, वहाँ ऐसे पत्तेदार वृक्ष लगाए जाएँ जिनकी मार्केट वैल्यू हो और जिससे आग से भी बचा जाए और उनकी लोगों की आमदनी बढ़े और जंगल और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका आपसी कनेक्टिविटी और घनिष्ठता बढ़े। और जो वहाँ की ज़मीन है उसका भूस्खलन रोकने के लिए लगातार वहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन, जो भू संरक्षण विभाग है, उस पर जोर दिया जाए। वहाँ पर वाटर रिजर्व की बात, वाटर संरक्षण के अंदर बात हुई, मैंने पहले भी की थी, वहाँ पर जगह जगह जंगलों में भी वाटर रिजर्व बनाया जाए। जैसे खाओ सिस्टम पहले भी उत्तराखंड के पहाड़ों की चोटी पर था, वो वैसे बड़े बड़े खाओ बनाए जाए, उन पर पानी जमा किया जाए ताकि जंगलों में नमी बनी रहे। और पहाड़ों के ढलानों पर भी तिरछे तिरछे छोटे छोटे वो बनाए जाएँ, खाओ टाइप के बनाए जाएँ ताकि जो पानी का तेज बहाव है वो उनको रोक सके और पहाड़ों में कटाव रोक सके और नमी बनी रहे। ये है जंगल। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनमें जितने भी एक आम आदमी की ज़रूरतें थी, बेसिक ज़रूरतें, उसके लिए वहाँ के लोगों में एक कौशल है। वहाँ हर आदमी हर चीज़ का कारीगर है, तो उसकी उस कारीगरी को डेवलप किया जाए, उसको एक मार्केट वैल्यू उसकी मिले, उसके लिए मार्केट डेवलप किया जाए। वहाँ पर कृषि का विकास हो, वहाँ पर फल और फूलों का विकास हो, वहाँ की जो भी चीज़ें हैं, जो वहाँ पर एज जो वहाँ की जो उपज है, जो वहाँ पर हो सकती है, जो तासीर वहाँ की ज़मीन में है, उस तासीर का फ़ायदा उठाया जाए, जो मिट्टी की वहाँ की ताकत है उसका वहाँ फ़ायदा उठाया जाए और वहाँ के लोगों को उससे एक उन्हें ऐसा नहीं लगे, उन्हीं की जो मैन पावर है, जो उन्हीं की ज़मीन की ताकत और आदमी की ताकत को का फ़ायदा उत्तराखंड को मिले, ये उत्तराखंड कार्यान्दल मानता है। उसके बाद जो आधुनिक की चीज़ है, जो हमारे बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जो हम नई ज़िंदगी की बात करते हैं, जो नए आयामों की बात करते हैं, उसके साथ साथ जो उस स्ट्रीम से बाहर निकल जाए वो उसके लिए स्कोप खुला हुआ है। तो हमारे वहाँ पर शिक्षा का स्तर उठाया जाए, शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि बाहर के लोग आके वहाँ पढ़ें और उससे वहाँ के क्षेत्र की आमदनी बढ़े, रोज़गार बढ़े। स्वास्थ्य का स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि लोग वहाँ शोध करने जाएँ, वहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने जाएँ और उसका भी फ़ायदा वहाँ पर लोग रोज़गार ऐसे बने। परिवहन भी अच्छी हो, सुरक्षित परिवहन भी होना चाहिए और ये सारी सोच उत्तराखंड क्रांदल रखता है। जैसे हमारा पशुपालन है, हमारा ऊन का उद्योग है, हमारा मसालों का, हल्दी, लहसुन, अदरक और मिर्च, इसकी उपज है, मडुआ है, ये सारी चीज़ें जो वहाँ की उपज है उनको मार्केट वैल्यू हम दें, उनका विकास करें और ये उत्तराखंड क्रांदल का दृष्टिकोण है। उसके बाद जो हम नई चीज़ें करते हैं, आधुनिक की विकास की बात करते हैं, कंप्यूटर के ज़माने की बात करते हैं, उसको भी उसकी मदद ली जाए। तो ये उत्तराखंड का विजन है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों को बीच के बीच भेजें।